बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना लेने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गोड़धोइया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शनी उर्फ पाके पुत्र अनिल निवासी आवासीय कॉलोनी मिलेनियम सिटी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, दूसरा राजकुमार पुत्र रामदास निवासी आवासीय कॉलोनी मिलेनियम सिटी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों में से 13,700 रुपए नगद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र में घटित घटना के संबंध के दौरान विवेचना प्रकाश में आए अभियुक्त विशाल पुत्र महेंद्र प्रसाद निवासी बशारतपुर पूर्वी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 30 मई को थाना गुलरिहा गोरखपुर के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तथा मुकदमा प्रकाश में आए तीन अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, हेड कांस्टेबल रामविलास सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, दुर्गेश यादव शामिल रहे।